नमस्कार, मेरा नाम दीपक महाराज। मेरे पिताजी परम आदरणीय पूजनीय पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी हैं। मेरा तो अपना परिचय कोई खास नहीं है, लेकिन पिछले 7 पुश्तों से लखनऊ घराने की जो परंपरा चली आ रही है, मेरे सभी आदरणीय सभी पूर्वज लोग जिन्होंने बहुत कला के प्रति जो अपना योगदान दिया है और बहुत बड़ी भक्ति की है, वो सब बहुत ही पूजनीय हैं। मैं एक बहुत छोटा सा सूत्रधार हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लखनऊ घराने की इस ज्योत को जलाने की। और नवी पीढ़ी जो है, जिसमें मेरी बेटी है रागिनी महाराज, मेरे भतीजे हैं त्रिभुवन महाराज, वो भी बड़ा अच्छा नृत्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सा परिचय मेरा है। अब प्रश्न ये है कि ये जिम्मेदारी जो है, वो जिम्मेदारी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि परम पूजनीय महाराज जी ने कथक को जो एक स्वरूप दिया है, वो बहुत ही खूबसूरत दिया है। शायद मेरे का से ऐसा कोई भी कथक कलाकार नहीं होगा जो उनको अपनी प्रेरणा नहीं मानता। तो वो महाराज जी से ही प्रेरित हो गए, हम सब लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो क्योंकि महाराज जी से हम सबका ऐसा जुड़ाव है, तो ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी बनी जाती है। क्योंकि हम लोग जब भी मंच पर जाते हैं, जब भी कुछ नृत्य करते हैं, तो लोगों की उम्मीदें, उनकी जिज्ञासा उतनी ही रहती है जैसा उन्होंने महाराज जी को देखा। तो हम लोग बस प्रयास करते रहते हैं कि कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो वो प्रयास हम लोगों का हमेशा रहता है। ये एक भय भी रहता है मन में कि जो भी करें खूबसूरत अंदाज में, बिल्कुल हूबहू लखनऊ घराने का जो एक खूबसूरत अंदाज है, उस तरीके से करें कि ताकि अपने गुरु का एक छवि, उनकी एक छवि भी हमारे अंदर दिख जाए, तो उससे जीवन धन्य हो जाता है। अब जैसा मुझसे कहा गया कि ठुमरी, जो कि बड़ी खास लखनऊ घराने की एक देन है, तो मैं इससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे स्वर्गीय वृंदादिन महाराज जी ने 5000 ठुमरी रचनाएं की, जिसमें से जो अंश कुछ महाराज जी को प्राप्त हुए, हमने भी थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की है। तो एक ठुमरी का एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मुझे बहुत प्रिय भी है, जिसके शब्द हैं, तोरी मैं ना मानूंगी झूठी बतियां करत, कि तोरी मैं ना मानूंगी झूठी बतियां करत, और आए सौतन के घर से ये जानी परत। तो थोड़ा मैं गा भी देता हूँ, इसलिए थोड़ा हल्का सा गुनगुना देता हूँ। तोरी मैं ना मानूंगी झूठी, तोरी मैं ना मानूंगी झूठी बतियां करत, तोरी मैं ना मानूंगी झूठी बतियां करत, तोरी मैं ना मानूंगी झूठी बतियां करते, तोरी मैं ना मानूंगी झूठी बतियां करते, तोरी मैं ना मानूंगी झूठी बतियां करते, आए सौतन के घर से ये जानी परत, हाय ये सौतन के घर से ये जानी परत, तोरी मैं ना मानूंगी झूठी
बतिया करते, हटो हटो जाओ तुम उन्हीं के संग रहो, हटो हटो जाओ तुम उन्हीं के संग रहो, कि हटो हटो जाओ तुम उन्हीं के संग रहो, बातें ना बनाओ शाम बिंदा कहते, देखो मोरा जियरा जरते जरते जरते, मैं ना मानूंगी झूठी झूठी बतिया करते। इस प्रकार से अभिनय भाव ठुमरी में किया गया। एक आध बोल मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, पढ़न में खास महाराज जी की बताई हुई कुछ एक अध्याया एक परन पढ़ देता हूँ, ना ना धिन ना ना तक ना तक धान धान धक धक धिक 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 नग नग धक चिटक धान चिटक धान चिटक धान धा ता धा घिट धा गद्दा धक चिट धा घिट चिट धा तरंग चिट धा घिंतरंग चिट धा घिंतरंग ता धा। बख्शी विकास जी जो हैं एक बहुत ही अच्छे नर्तक हैं, बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ भी हैं, वादक भी हैं, और आरा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, कला का प्रचार कर रहे हैं, उनके तमाम शिष्य शिष्याएं हैं। अभी जैसा आप देख रहे हैं कोरोना वायरस एक महामारी पूरी विश्व में फैली हुई है, जिससे हम सभी लोग बड़े चिंतित हैं, और जो कलाकार ट्यूशन करते हैं, जो बड़ी मुश्किल से निर्वाह कर पा रहे हैं अपने जीवन का, इस समय उनको काफ़ी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा अनुरोध रहेगा वहाँ की सरकार से कि उनकी मदद की जाए, नहीं तो बख्शी विकास जी जो हैं किसी तरीके से उनसे संपर्क कुछ हो, ताकि थोड़ी सी मदद जो है वहाँ के जो कलाकार जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस समय बख्शी विकास जी ऑनलाइन सभी को सिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, और जो कि बड़ा ही सराहनीय कार्य है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ।